आपके शरीर की सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने इस शरीर में जैसी चाहे वैसी चेंजेस यानी बदलाव कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं जो आप अपने शरीर में कर सकते हो, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपके शरीर में है और जो आपके काम की है, वो है आपकी हाइट यानी आपकी लंबाई। हाइट आपके लुक्स को यानी आप कैसे दिखते हो इसको बहुत इफेक्ट करता है। हाइट आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि जब उनकी उम्र 20 पार हो जाती है तब उनकी हाइट यानी लंबाई नहीं बढ़ सकती। हाँ, ये बात सही है, पर पूरी तरह से सही बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपकी हाइट बढ़ेगी या नहीं ये 90% आपके जीन्स पर डिपेंड करती है। मतलब आपकी मम्मी पापा की हाइट जो है उस पर ये निर्भर करता है कि आपकी लंबाई कितनी होगी। पर ये जरूरी नहीं है कि आपकी लंबाई आपके पेरेंट्स की लंबाई के बराबर ही होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मम्मी पापा की हाइट कम है पर आपकी हाइट ज्यादा हो जाती है। पर कुछ कुछ मामलों में लोगों की हाइट कम रह जाती है। इसे आप अपना लक कहिए या कुछ और, पर ये होता है। अगर आपकी हाइट कम है तब अच्छी बात ये है कि आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। और एक बात ये है कि अगर आपकी अभी की हाइट अच्छी खासी है पर फिर भी आप और बढ़ाना चाहते हो थोड़ा सा, ताकि आपकी लुक्स और इम्प्रूव हो सके, मतलब आप और अच्छे दिखें, तब भी आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। ये तो आप मानते हो ना कि हाइट बढ़ाने के बाद आप झक्कास दिखते हो। तो आप हाइट बढ़ाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी हाइट बढ़ने में कोई बाधा नहीं आए तो आपको अपने चलने और बैठने के ढंग को सही करना होगा। चलने का सही ढंग होता है अपनी स्पाइनल कॉर्ड यानी आपके रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के चलना, पर कई लोग झुक के चलते हैं और ये आपकी हाइट ग्रोथ यानी आपकी लंबाई के बढ़ने में बाधा डालती है। बैठते समय भी लोग यही करते हैं, झुक के बैठते हैं। अगर आप चेयर पे बैठते हो तो आपको हमेशा सीधा होके बैठना चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है यानी ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि बैड पोस्चर लीड्स टू कॉम्प्रेशन ऑफ योर स्पाइन यानी खराब पोस्चर यानी ये झुक के चलना या बैठने की हैबिट ये आपकी स्पाइन को कॉम्प्रेस कर देता है, यानी उसके चलते आपकी रीढ़ की हड्डी समय के साथ साथ छोटा हो जाता है, समय के साथ साथ दब जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको झुक के चलने की आदत होती है। झुकने से मेरा मतलब है कि थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट होके चलना। आप ये आदत भूल कर भी मत अपनाना। और ये भी प्रूफ किया गया है कि गुड पोस्चर इन्वॉल्व्स इलोंगेशन ऑफ द स्पाइन। मतलब अगर आप चलते समय एकदम सीधा होके चलोगे तो वो आपके स्पाइन को इलोंगेट करता है, मतलब उसे एक्टिव और स्ट्रेस्ड रखता है, मतलब आपके स्पाइन पे किसी तरह का जोर नहीं पड़ता। एक्यूप्रेशर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आपके शरीर में कई सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे गतिविधि करने से आपके शरीर पे उसका असर पड़ता है। हाइट बढ़ाने के लिए आपके शरीर में दो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। आपके अंगूठे के आगे की तरफ जो एरिया है और आपके पैर के अंगूठे की आगे की जो एरिया है वो। इन दोनों एरिया को अगर आप दबाओगे और छोड़ोगे तो विज्ञान ये कहता है कि ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड यानी आपके पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है यानी उसमें गतिविधि करता है, और इसके चलते आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स रिलीज होने लगती है जो आपकी हाइट को बढ़ाती है। खाना भी आपके हाइट को बहुत इफेक्ट करता है। अगर आपकी खान पान सही हो तब आपके हाइट को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोटीन से आपके शरीर की मसल और टिश्यू बनती है और इसके चलते प्रोटीन को लंबाई को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी माना गया है, इसलिए आप प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लें। मिल्क यानी दूध प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो यानी मांसाहारी हो तब आपके पास प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मछली, मीट, अंडा और भी बहुत कुछ। और अगर आप एक वेजिटेरियन हो तब सोयाबीन आपके लिए बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। हमारे देश में सोयाबीन की कमी नहीं है, लगभग हर राशन की दुकान में आपको सोयाबीन आराम से मिल जाएगा। हाइट बढ़ाने के लिए आपको मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और फलों के मामले में बनाना यानी केला इन कैल्शियम जैसे मिनरल्स का सबसे बेस्ट सोर्स है। केला का स्वाद भी अच्छा होता है और वो हाइट बढ़ाने में भी मदद करता है, इसलिए आपको केला तो जरूर खाना चाहिए। सब्जी के मामले में अगर आप हरी सब्जियां खाओगे जैसे साग, तो आपको डाइटरी फाइबर्स मिलता है जो आपके HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को स्टिम्युलेट करता है, जिससे आपकी हाइट बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है। सोना तो आपके लिए जरूरी है ही,
पर आपके लंबाई को बढ़ाने के लिए ये और भी ज्यादा जरूरी है। इसका एक सिंपल सा साइंटिफिक फैक्ट है, सोने समय आपके शरीर में वो ग्रोथ हार्मोन निकलती है जिससे आपकी हाइट बढ़ती है। तो अगर आप कम सोओगे तो आपके शरीर में अच्छी मात्रा में वो हार्मोन नहीं निकल पाएगी। तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए अगर आपको अपने शरीर की विकास करने वाली हार्मोन को बैलेंस में रखना है। तो हाइट बढ़ाने के लिए पुलअप्स भी बहुत जबरदस्त काम करती है। अगर आप डेली पुलअप करोगे तो ये आपके कंधे, कलाई और बांह तीनों को मजबूत करता है और आपके पूरे शरीर में गतिविधि करता है। और पुलअप जैसी एक्सरसाइज करने के बाद आपके दिमाग की उस जगह पर गतिविधि होती है जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है, और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यानी आपकी पीयूष ग्रंथि फिर उस सिग्नल को मानते हुए आपके शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कि आपका हाइट बढ़ाता है उस हार्मोन की मात्रा को बढ़ाता है। और इसलिए ये एक्सरसाइज हाइट बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। एक्सरसाइज के मामले में हैंगिंग एक्सरसाइज यानी लटकने वाली एक्सरसाइज आपके लंबाई को बहुत कम समय में बढ़ा सकती है। दुनिया के कई बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स यानी चिकित्सा विशेषज्ञों का ये कहना है कि ग्रेविटी यानी धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपके लंबाई पर नेगेटिव इफेक्ट यानी नकारात्मक प्रभाव डालती है। वो आपके मसल को स्क्वीज कर देती है। हैंगिंग यानी लटकना गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आए गए नकारात्मक प्रभाव को कम कर देती है और इसके चलते आपके शरीर में लंबाई और तेजी से होती है। जब भी किसी बार पे आप लटकते हो तब एक्चुअली आपका पूरा शरीर स्ट्रेच हो जाता है, आपका पैर जमीन से कई फीट ऊपर रहता है और उस समय आपका स्पाइन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी इलोंगेट होती है यानी बढ़ती है। और ये एक फैक्ट है कि जब आप लटकते हो तब आपका शरीर का हर एक मसल स्ट्रेच होता है। हर एक से मेरा मतलब है हर एक। और स्ट्रेच होने के बाद आपके शरीर के हर एक कोने में रक्त संचार और ऑक्सीजन का संचार बढ़ जाता है। आपकी पूरी शरीर एक तरह से एक्टिव हो जाती है। आप शायद मुझसे पूछोगे कि यार हमें लटकना तो है पर आखिर कितनी देर तक? तो इसका उत्तर ये है कि ये आपके कैपेबिलिटी यानी आपके क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तब 10 से 12 सेकंड तक लगातार लटकना भी बहुत है, और प्रैक्टिस करते करते आप 30-40 सेकंड तक भी लटक जाओगे। ये बहुत जबरदस्त काम करता है आपके लंबाई को बढ़ाने के लिए। इन सारे तरीकों को अपनाकर हजारों लोगों ने कई इंचेस बढ़ाया है। तो इन तरीकों को आप रेगुलरली फॉलो करो और कुछ दिन बाद आप ये जरूर नोटिस करोगे कि आपकी लंबाई बढ़ रही है। और जब आपकी हाइट बढ़ जाए उसके बाद आप चाहो तो ये सब करना छोड़ सकते हो। हाइट बढ़ने के बाद समय की कमी के चलते अगर आप पुलअप्स नहीं भी करोगे तो आपकी हाइट थोड़ी ना कम हो जाएगी, पर जब तक ना बढ़े तब तक टाइम निकाल के करते रहना। तो दोस्त, हाइट बढ़ाओ और हमेशा खुश रहो। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।